सो हे गाइस, क्या हाल चाल? तो यार आई होप कि आज सभी सभी बढ़िया होंगे। तो यार स्वागत है आप सबका आज को न्यू इंटरेस्ट वीडियो में। एंड देखो यार, आज के वीडियो में हम लोग भाई बात करने वाले हैं जो ROG 5 जो अपना फ़ोन है यार उसके ऊपर। ओके तो यार अगर भाई आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों को यार ROG 5 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब पबजी खेलने के लिए, मतलब अगर कॉम्पिटेटिव खेलने के लिए यार आप लोग भाई ROG 5 लेना है या नहीं लेना है, यार वो मैं आप लोगों को भाई बताने वाला हूँ। एंड आप लोग भाई क्या क्या नुकसान होने वाले अगर आप लोग भाई ROG 5 बाय करते हो सिर्फ पबजी में कॉम्पिटेटिव खेलने के लिए, तो यार भाई मैं आप सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो यार देखो, अगर आप लोग भाई मतलब स्पेशली कॉम्पिटेटिव प्लेयर एंड यार अगर आप लोग भाई टूर्नामेंट खेलते हो यार पबजी वाले के बड़े बड़े टूर्नामेंट एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट भी अगर आप लोग खेलते हो, तो यार आप लोग मैं बता दूँ कि भाई आप लोग ROG 5 फोन है या ROG का कौन सा भी चलेगा यार, वो आप लोगों को बाय नहीं करना है। अब बोल रहे भाई क्यों नहीं बाय करना है, उसमें तो हम लोगों को 90 FPS मिलता है एंड यार मतलब भाई बहुत बहुत ज़्यादा गेमिंग फीचर मिलते हैं। हाँ भाई बात मान के यार ROG 5 में क्या होता है, आप लोग 90 FPS मिलता है एंड यार आप लोगों का गेम भाई बहुत सही चलता है, ना तो लैग होता है एंड आप लोग भाई गेमिंग के लिए भाई बहुत ज़्यादा फीचर दिए रहते हैं। बट गाइस सुनो, ओके अगर आप लोग भाई ROG 5 फोन लेते हो तो यार आप लोग कॉम्पिटेटिव नहीं खेल पाओगे, क्योंकि यार जो हमारे पबजी मोबाइल है उसने यार मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए और यार टूर्नामेंट के लिए हमारे ROG 5 फोन को यार मतलब बैन किया हुआ है। बोले भाई ये कौन सी बात हुई? तो हाँ भाई यार यही सच है कि यार अगर भाई आप लोग ROG के कौन से भी फ़ोन से अगर आप लोग खेलते हो तो यार आप लोगों को भाई टूर्नामेंट नहीं खेलने दिए जाएंगे। और यार वो क्यों नहीं खेलने दिए जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यार ROG 5 फोन में आप लोगों को क्या मिलता है, ओके 90 FPS मिलता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई 90 FPS यार ये तो हम लोगों को डिवाइस इसलिए मिलेगा, बट यार मैं आप लोग बता दूँ कि जो स्पेशली मतलब भाई ऑलमोस्ट प्लेयर रहते हैं वो 60 FPS पे खेलते हैं हम लोग, यार आईफोन प्लेयर ही होते हैं ऑलमोस्ट एंड यार वो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेलते हैं, तो यार भाई ये यार उन प्लेयर के साथ फेयर नहीं होगा, ये हमारे वाल का कहना है। तो यार आप लोग भाई ROG फोन को यार मतलब कॉम्पिटेटिव में नहीं ले जा सकते, मतलब क्या टूर्नामेंट में नहीं ले जा सकते हो एंड उसमें आप लोग भाई साथ में ट्रिगर भी देखने को मिलते हैं, वो ट्रिगर होते हैं यार उससे आप लोग भाई अपने यार मतलब स्पेशल फीचर होते हैं वो ROG के फोन्स में एंड या कुछ और फोन में भी होता है। एंड अगर ऐसा भी कोई और फोन है जिसमें यार वो ट्रिगर आते हैं तो यार आप लोग भाई वो भी यार फोन मतलब टूर्नामेंट में नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उससे भाई आप लोगों का ज़्यादा एडवांटेज रहता है, ये हमारे पबजी वाले का कहना है। तो यार ROG का हर फोन यार वो मतलब बैन है टूर्नामेंट में एंड ऐसा फोन जिसके ऊपर मतलब ट्रिगर होते हैं स्पेशली गेमिंग फीचर रहते हैं, तो यार वो फोन भाई मतलब पबजी के कॉम्पिटेटिव और टूर्नामेंट्स में बैन है। एंड यार बात रही सिंपल गेम खेलने की, यार अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव नहीं खेलना है यार अगर आप लोग भाई कॉम्पिटेटिव प्लेयर नहीं हो एंड टूर्नामेंट नहीं खेलते हो तो यार आप लोग भाई ROG 5 ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यार स्पेशली मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार अगर आप लोग भाई टूर्नामेंट में जाना चाहते हो तो यार भाई आप लोग ROG 5 फोन नहीं लेना, क्योंकि यार इसमें 90 FPS मिलती है एंड यार जो कि यार पबजी वाले अलाउ नहीं किए, क्योंकि यार सब बंदों को 90 FPS नहीं मिलता है। तो यार और मैं आप लोगों के ऊपर चढ़ता हूँ, जो आपको लेना है वो लेना, मैं भाई कोई नहीं हूँ जो आप लोगों को बताऊँ। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मेरे नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बता देना। तो बाय बाय यार।